चलिए अपने एक और स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, नाम है शिवम, जिनकी ऑल इंडिया 131 रैंक है और इनको एनआईटी सूरत कल अलॉट हुआ है, यूपी से हैं और फाइनल ईयर के साथ इन्होंने ये रैंक अचीव की है। तो शिवम, सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको शुभकामनाएं एनआईटी सूरत कल के लिए और 131 रैंक के लिए। शिवम, मैं चाहूंगा कि आपने, क्योंकि फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है, तो आपने फाइनल, कई बच्चों का ये बहुत कॉमन होता है, जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं उन्हें प्रेशर होता है कि मेरा एक साल ड्रॉप हुआ है, कहीं खराब ना हो जाए। जो फाइनल ईयर में होते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है मन में, डाउट कि मैनेजमेंट होगा कि नहीं। तो आपने फाइनल ईयर के साथ 131 रैंक अचीव की, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। तो इसके लिए आपने दोनों मैनेजमेंट कैसे किए और आपकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी क्या है, मैं चाहूंगा आप बताओ। सर, सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूंगा, आपको बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे भैया और जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट रखा, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने मेरी हेल्प की, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। और सर, मेरी स्ट्रेटजी ये रही थी कि मैं हमेशा से इसको, मैं अपना सेकेंड ईयर में जब आया था तब मैंने सोच लिया था कि मुझको एनआईटी में जाना है, तब मैंने आपका पेनड्राइव कोर्स ऑनलाइन किया था, उसके थ्रू स्टार्ट किया था पढ़ाई। लेकिन तब ज्यादा फ्लो नहीं बन पा रहा था, तो मैंने कुछ ही टॉपिक उससे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। उसके बाद जब से सर आपका लाइव कोर्स आया था, उसके बाद स्पीड ऑटोमेटिकली बूस्ट हो गई थी मेरी, तब से मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया। और मैंने अपने बीसीए कोर्स को एक सब्जेक्ट की तरह लेके चला, उसको भी टाइम देता था, इसको भी टाइम देता था। और मेरे में बेनिफिट एक ये था कि मेरे फाइनल ईयर में जो सिक्स सेमेस्टर होता है, तो सर उसमें इंटर्नशिप करनी रहती, प्रोजेक्ट करना रहता, उसमें कोई सब्जेक्ट पढ़ना नहीं रहता है, तो उसमें मुझको थोड़ा फ्री टाइम मिल गया, तो उसको मैंने पूरी तरह से यूटिलाइज किया। और ये जो एक लॉकडाउन हुआ, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रूफ हुआ, इसमें इसका मैंने पूरा उपयोग किया, जिसकी वजह से मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और मैं मुझको इतना अच्छा स्कोर करने में हेल्प हुई। देखिए कितनी अच्छी बात बोली शिवम ने। सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात थी कि बीसीए और एमसीए को एज अ सब्जेक्ट माना। मैं भी क्लास में हमेशा यही बोलता हूँ कि आप जब फाइनल ईयर में, तो आप इसको जैसे फाइनल के 5 सब्जेक्ट पढ़ना, एमसीए को भी एक सब्जेक्ट मान लो, तो 6 सब्जेक्ट को आप बराबर टाइम दोगे। बिल्कुल शिवम ने उसी को प्लान किया, पहली चीज। दूसरी चीज, कई लोगों के लिए कोविड नेगेटिव था तो कई लोगों के लिए पॉजिटिव हुआ। आप बुरे को भी कैसे पॉजिटिव बना सकते हो, बुरे वक्त को या कोई बुरी चीज को भी आप अपॉर्चुनिटी में कैसे कैश कर सकते हो, ये एक सामने एग्जाम्पल है कि लॉकडाउन हुआ तो पढ़ाई और बढ़ा दी। दूसरा, इसके दोस्तों ने, पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया, क्योंकि जब थैंक यू बोला तो मुझे समझ में आ गया कि हर लोग ने इसको मोटिवेट करा आसपास के सराउंडिंग में। कई बार हम उससे भी डिस्टर्ब होते हैं और पूरे समय आपने इस चीज को ध्यान रखा, ये कितनी बड़ी बात है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि अरे अब पता नहीं एग्जाम कब, क्योंकि बहुत बच्चे जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो अलग अलग सेल्फ स्टडी कर रहे थे कहीं थे, कई बच्चों ने लॉकडाउन में पढ़ाई छोड़ दी, पर कईयों ने पढ़ाई को और बढ़ा दिया, और जिसने इसे एज अ अपॉर्चुनिटी यूज किया उसके सामने उसका रिजल्ट है। तो शिवम, ये काफी अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज बताइए, और दूसरा एक और अच्छा आपको बोनस मिल गया कि सिक्स सेमेस्टर में आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी थी, उसका भी फायदा मिला। यस सर, सर एक लॉकडाउन मेरे लिए एक तरीके से गोल्डन टाइम प्रूफ हुआ। मैं सर एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरा वीआईटी वेल्लोर में भी सिलेक्शन हुआ था, तो वहां पे भी मैं 1 मंथ क्लास किया बीच में, तो लेकिन मुझे लगा कि मेरा टारगेट निमसेट है, मैंने 1 ईयर प्रिपरेशन की है, तो विदाउट पेपर दिए कैसे ऐसे जा सकते हैं, तो अंदर से जो एक इंटरनल फीलिंग होती है वो नहीं आ रही थी, तो मैंने वहां से भी कटवा लिया नाम फिर 1 मंथ, लेकिन वो मेरा खराब हो गया। लेकिन तब वहां से और मोटिवेशन मिला मुझको कि अगर यहाँ पे अब 30,000 मेरे रुपए माइनस कर दिए गए थे, तो लगा कि मुझे जब ज्यादा मेहनत करेंगे तब वो जो रुपए बेकार हुए हैं वो सक्सेस हो सकते हैं। यस सर, तो उससे मोटिवेशन और ज्यादा मिला। देखिए कितनी अलग अलग सबकी लाइफ की स्टोरी होती है। मैं जितने मैंने अभी तक इंटरव्यू लिया, आपने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई। कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि निमसेट की डेट लगातार बढ़ती जा रही थी, ऐसे में कई सारे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ओपन हुए, कई बच्चों ने उसमें एडमिशन ले लिया, कुछ ने ज्वाइन कर लिया, इवन आपने भी किया, पर वहां जाने के बाद आपको ऐसा लगा कि शायद ये आपके लिए नहीं है, आप इससे कुछ ज्यादा अच्छा कर सकते हो। देखो आपके सामने रिजल्ट भी है। दूसरा, छोड़ने से आपके ऊपर एक और पॉजिटिविटी आई कि मैंने ये कॉलेज छोड़ा, मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना ही पड़ेगा। आज आपका केवल 30,000 का नुकसान हुआ, पर आपको नहीं पता आप कितने गुना आगे बढ़ गए। तो कभी कभी जैसे कुछ मोटिवेशन एक जो मिला वही, हाँ वही मैं बोल रहा, कभी कभी कुछ घटना ऐसी होती है लाइफ की
जो हमें निगेटिव की जगह पॉजिटिव कर देती है। तो आपका वीआईटी में एडमिशन लेना, वीआईटी जबकि अपने आप में एक अच्छा कॉलेज है, पर आपने उसको छोड़ा तो इसलिए कि कुछ और ज्यादा अच्छा लेना है। तो जब हम कोई चीज छोड़ते हैं तो हमेशा हम उससे ज्यादा पाते हैं, और वो आपने अचीव किया। आप ऐसे भी बहुत बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले लिया, पढ़ाई कर भी रहे होंगे, इनफैक्ट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस की ड्यूरिंग लॉकडाउन, निमसेट की डेट नहीं आने पे कई बच्चों ने अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लिया। मुझसे पूछते थे क्या करें, मैं उनसे एक ही बात बोलता था, बेटा ये डिसीजन आपका है, आपका एम क्या, आपका विजन क्या, और आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो ये डिसाइड करो। तो जैसे अब आपने लेके भी वो एक महीने के बाद छोड़ा, ये बहुत बड़ा और बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ का, और यही शायद आपके सक्सेस में बहुत बड़ा हेल्प करा इसने आपको। यस सर, उसमें मेरे फादर ने बहुत हेल्प की सर, आपने भी, आपसे मैंने बात किया था तो आपने भी बहुत सारा मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड किया, आपने भी बहुत हेल्प की। असल में एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने ज्यादा बुक्स नहीं सॉल्व करी है, मैंने कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर किए हैं, आपके जितने टेस्ट सीरीज थे वो सब ज्वाइन किए, रेगुलरली दिया, और जितना मतलब बेसिक किया आरडी शर्मा का, पूरा पूरी बुक नहीं सॉल्व कर पाया था। तो ये बहुत अच्छी बात बोली। मैं सब बच्चों को बोलता था कि गाइड सॉल्व करना जरूरी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसेप्ट पे ध्यान देना, वो आपने दिया, कई बच्चों ने यही किया। मैं अभी भी सारे बच्चों को, जो ये बच्चे आप लोग सेशन सुन रहे हो, ध्यान रखो कि गाइड सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पढ़ाई ऐसे करो कि कोई गाइड सॉल्व हो जाए। तो अपने कंसेप्ट बनाओ, कंसेप्ट पे ध्यान दो। देखिए शिवम ने भी वही किया कि इसने कोई गाइड सॉल्व नहीं की, पर कंसेप्ट बनाए, टेस्ट पेपर दिए और उनका एनालिसिस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यस सर, एनालिसिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किसी भी टेस्ट का, चाहे बेसिक दें, एडवांस दें, मॉडरेट लेवल का दें, जो एनालिसिस है उसकी की है सर। अगर आप एनालिसिस कर ले जाते हैं सही से, आप 100% इंप्रूव कर ले जाएंगे अपने आप को। बिल्कुल सही बात, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो बहुत अच्छा लगा शिवम आपसे बात करके। शिवम मैं चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को, जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं सेकंड ईयर फाइनल में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? कई बच्चे फाइनल के नाम पे ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत पढ़ना है, जबकि कॉलेज के लिए ऐसी कोई बहुत पढ़ाई नहीं करनी होती। तो आपका उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में है, वो कैसे स्टार्ट करें और उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सभी जूनियर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना एक स्ट्रेटजी बना के रखें कि मुझको इतने आवर्स देने हैं, तो मतलब वो फिक्स कर दीजिए और रेगुलर उसको कंटिन्यू करिए। ऐसा नहीं कि बीच में एक दिन पढ़ लिया, फिर तीन दिन नहीं पढ़ा, फिर सोचा कॉलेज का पढ़ लें, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कॉलेज को भी दीजिए टाइम जितने में आपका काम चल सके। आप 60+ रखिए परसेंटेज, और ज्यादा परसेंटेज की वैल्यू नहीं है कोई। आप कॉलेज में अगर 60+ हैं, 70+, इट्स ओके। आप अपना निमसेट का एक टाइम लेके चलिए, उतना डेली दीजिए टाइम। और मेन चीज है, जब आप टेस्ट वगैरह दीजिए कुछ, तो उसका एनालिसिस बहुत ढंग से करिए। अगर आप 2 घंटे का टेस्ट दे रहे हैं तो स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा बहुत टाइम लगेगा एनालिसिस में, 4-5 घंटे तक लग सकते हैं, लेकिन आप एनालिसिस जरूर करिए। एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट की है, यही इस पे ही मैंने बहुत सारा वर्क किया था। और ज्यादा बुक के चक्कर में मत पड़िए, जितना सरस सर आपको दे रहे हैं मटेरियल उस पे बिलीव करके लग जाइए, और रुकना नहीं, आप लोगों को इस बार करके दिखाना है आने वाले टाइम। बहुत अच्छी बात बोली शिवम आपने। तो बच्चों आपने शिवम का मैसेज सुना, इन बातों को ध्यान रखिए, इनको फॉलो करिए, बहुत कंसेप्ट बना के पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। पीछे मुड़ के देखने पे कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी वक्त हो उस वक्त को अपॉर्चुनिटी बनाइए, इसका एक देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है। तो शिवम आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामना के साथ ये सेशन एंड करूंगा। अब आप NIT सूरतकल में भी जाके ऐसे ही परफॉर्म करें और जीवन में बहुत आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।